ये भैया आ गए थे, हम टाटा प्ले लगवा रहे हैं, टाटा स्काई डिश। तो ये एसडी मैंने ऑर्डर करा था, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर दें अभी पहले। इसके साथ हमें ये टाटा बॉक्स, एक तो ये इक्विपमेंट मिलता है टाटा स्काई का अनबॉक्सिंग में, ये मिलता है एक चार्जर, पिन रहती है इसकी, ये हमें रिमोट मिलेगा। ये क्या वो यूनिवर्सल रिमोट होता भी है? तीन चीज़ ये हो गई और ये मिल गया। इसमें HDMI केबल, ठीक है, फेंकना मत कुछ भी, ठीक है, रह गया। और वो इसका टाटा फायर टीवी स्टिक का क्या रहेगा? वो पहले जॉइंट कर दूं, उसे भी लगाता हूं। अच्छा, वो भी दिखाते हैं अभी टाटा। तो मैंने दोनों ऑर्डर करे थे, अभी अभी भैया दोनों लाए हैं, अभी पहले ये इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं दूसरा भी दिखाऊंगा। तो उसे मैंने वहीं इंस्टॉल कर रहा हूं मैं उसे। किसको? ऑफिस में। तो वो हो रही है अभी? अच्छा, वो ऑफिस में है अभी। कहां पे लगता है ना उन्होंने? कहां पे इनका ऑफिस? तो अभी हम जो है ये सेटअप कर रहे हैं, और पीछे की लाइट जला देना दोनों। अपने पहले एयरटेल लगवा लो। नहीं, ये चल रहा है अभी एयरटेल का भी। दो तो एक ही लाइट जली, लगा दिया हमने, है ना। अभी मैं HDMI केबल पुरानी लगा रहा हूँ, एयरटेल वाली, इसको भी बाद में यूज़ कर लेंगे। ऊपर चलते हैं ऊपर। अभी मैं जो अपनी पुरानी वायर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा लगनी थी, तो मेरे पास रखी हुई थी, तो इसको देखते हैं ये यूज़ हो पाती नहीं हो पाती। भैया इसका जो है वो अभी करंट चेक करेंगे, पुरानी वायर में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं होगी तो फिर दूसरी डिश का कर लेंगे। और मैं तो वीडियो के लिए ही बना रहा हूँ, मैं इसको वीडियो के लिए लगवा रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एयरटेल लगा हुआ है, बट वीडियो पर्पज़ के लिए मैंने कहा टाटा प्ले या स्काई इंस्टॉल करके देखते हैं। करंट आ रहा है तो ये देखिए, भैया ने जो ये अभी चेक करा है, तो हमारी ये पुरानी वायर थी, तो इसमें भी तो अभी करंट आ रहा है, तो इसमें जो लाइट आ जाएगी तो मतलब पता लग जाएगा वायर ठीक है। हाँ जी, तो ये देखिए हमें अब पता लग गया, अभी मेरी पुरानी वायर थी तो इसमें मतलब करंट आ रहा है, तो ये ग्रीन लाइट जल गई है, तो ये मतलब इसमें पावर आ रही है, तो ये ठीक है अभी। तो ये देखिए मेरी पुरानी वायर जो है वो अभी ये यूज़ हो जाएगी, ठीक है भैया। तो हम इसी वायर को यूज़ करते हैं, लगाते हैं, आगे दिखाता हूँ फिर आपको। तो अभी क्या लगाएंगे इसमें? अभी इसमें लगेगा एक जनरेटर। तो इसका सबका अलग चार्ज लगता है या फिर इसी में ही है? अच्छा, जॉइंटर तो इसके साथ मिलता ही है ना? दो इसके साथ आते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है। अच्छा, कनेक्टर उसका चार्ज है। तो अभी पहले वायर देख लो ना ऊपर, बीच में कम तो नहीं पड़ेगी कहीं? कम पड़ेगी आपका, यहाँ से ऊपर ये बीच में अटक जाएगी, वहाँ से थोड़ा और लेके। तो एक बार फिर इसको ऊपर लगाना ना जॉइंटर को। नहीं, यहीं से तार सीधी ऊपर जाएगी ना। हाँ, ऊपर से तार फेंकूंगा मैं, तार पकड़ी हुई, तो ठीक है, इससे तार पकड़ेंगे। इसका चार्ज है या नहीं है अभी? इसका नहीं है, इसका नहीं है। दो जॉइंटर मिलेंगे अभी मुझे, चार सिर्फ आपको इसका लगेगा जो ये एक जॉइंटर में लाया अभी था मैंने, पता नहीं कहाँ है, कैसा लगेगा। हम इससे क्या करते हैं, इससे एकदम पक्का काम हो जाता है कि चाहे इसमें झूला भी झूल लो ये तब भी नहीं निकलेगा। हाँ, ये खराब होगी, निकलेगी कट के फिर, है ना। हाँ, ये इसलिए हम पंच करते हैं इसे। अच्छा, इसकी गौर से देखना, ये अंदर घुस जाएगी। ये देखो अंदर हो गई, ये मजबूत है, इस पे झूला भी झूल लो ये तब भी ना निकलेगा, मजबूत काम हो गया अभी। भैया भी देखो प्रॉपर ड्रेस व्रेस पहन के आए हैं, टाटा स्काई की जैकेट। तो भैया अभी हमने लगाया था, इसको क्या बोलते हैं भैया जो इधर लगाया था, ये वाला, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर लगाया था अब हमने। अब ये आ गया जी जॉइंटर इसका, अभी अंदर जाएगा, अभी इसमें दो जॉइंटर इसमें लग जाएगा, ताकि वायर हमारी, अगर आपकी वायर कोई कम पड़ रही है तो वायर को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये भी फ्री रहता है, चार्जेबल रहता है, ये चार्जेबल है। कितना होता है ये?
ये इसका प्राइस 15 के आसपास होगा, 15-20 रुपए का। 15 रुपए का, चलो ठीक है। और एक ये आते है जो हमारे नई तार में लगेगा, ये यूं करके जॉइंट होके तार हो जाएगी। हाँ। एक ठीक है, तार लगा के अब तार इसमें लग जाएगी अभी हमारी। ठीक है, तार इसमें लग जाएगी। और ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है कनेक्टर, ये क्या चक्कर है? तार मोटा है, वो तार थोड़ा पतला। अच्छा ठीक है, ये कनेक्टर थोड़ा ठीक है। अब ये देखिए भैया, ये जो अपनी न्यू वाली वायर जो अभी इसको कट कर रहे हैं, ये देखिए। इसमें कनेक्टर जो अभी हम लगा रहे हैं, इसकी वायर थोड़ी पतली थी तो ये कनेक्ट हो रहा है। ये अब हमारा जॉइंटर लग गया बीच में, ये देखिए। अभी छत पर से नीचे आ गए, यहाँ से तार खींचूंगा ऊपर। ठीक है, कितनी वायर फ्री रहती है भैया इसके अंदर हमारी जो है? 10 मीटर। 10 मीटर फ्री रहेगी। उसके ऊपर कितना चार्जेबल होता है? उसके बाद पर मीटर 12 रुपए है। 12 रुपए मीटर। अच्छा, 12 रुपए मीटर है। तो उसके 10 मीटर आपको एक्स्ट्रा मिलेगी उसके साथ, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसका चार्ज अलग लगेगा। एक्स्ट्रा जो लगेगा वो उसका चार्ज, जो भी मटेरियल होगा उसका अलग लगेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लगाते हैं। तो भैया जो है इसको, तो हम छत पे आ गए हैं, यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल होगी इधर। तो इसकी डायरेक्शन जो रहती है वो रहती है साउथ ईस्ट की तरफ रहती है। अब एग्जैक्ट तो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये देखिए, अभी भैया जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा बना लेता हूँ। चलो धीरे धीरे किस तरीके से वैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है अभी मैं दिखाता हूँ। तो भाई अब हम भैया जो है इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस वाली वॉल पे। ये रहता है ऐसे इसका इंस्टॉलेशन यूनिट, मैनुअल वगैरह इसका आपको कोई लेना देना नहीं है। टाटा प्ले ये इसका बेस है, नट्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे भैया जो इंस्टॉल अभी करेंगे। इस वाली बेस लगेगा, उसके बाद जोड़ी देखिए ये नाली की है, पहले ये दो वाली लगाई है, लगाई नट बोल्ट वगैरह सब, उसके बाद जो है वो डिश लगेगी। देखिए भैया ने अब निकाली है किट, कैसी किट है भैया? इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर दो हमारी टाई निकली है। अच्छा, टाई नट बोल्ट्स वगैरह इसके अंदर सब पहले से पैक होकर आता है, ताकि बंदा कोई चीज़ जो है वो भूले ना, है ना। ये लगता है ये गिट्टी हो गई, इसकी गिट्टी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, वाशर बोल देते होंगे शायद, है अच्छा वाशर, उसे उसको गिट्टी कहते हैं हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे। ये टाई वगैरह जिप टाई है, कनेक्टर, और ये अच्छा ये अच्छा सारी चीज़ें इसमें आती हैं, क्लिप वगैरह जो है। तो देखिए ऐसा नहीं है, नट्स बोल्ट भी जो है इसके सारे एलुमिनियम के हैं, तो इसमें जो है वो जंग वगैरह जो है बिल्कुल नहीं लगेगा बरसात में, ये देख सकते हैं। ये देखिए सारे नट बोल्ट जो है इसके एलुमिनियम के दिए हुए हैं यहाँ पे, किसी में के अंदर भी जो है वो रस्टिंग वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए भैया जो है अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है टाटा प्ले का। अभी तक तो मैं एयरटेल यूज़ कर रहा था, तो टाटा स्काई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो होप इसका रिव्यू जो है वो अच्छा रहे। बाकी मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बना दूंगा, अभी तो इंस्टॉलेशन वीडियो बन रही है। और अभी आगे दिखाते हैं आपको जो इसका टाटा प्राइम 5 TV Stick एडिशन जो आता है उसका भी अनबॉक्सिंग, और वो दिखा देंगे किस तरीके से रहता है।
हमारा जो बेस लेवल चुका है तो हम क्या करेंगे इसका पैसा तो ये क्या 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 दो तीन किसी भी आठ नौ बजे तक करते होगी तो भाई इसका जो छाता ये इंस्टॉल हो चुका है अभी इसका एलन भी लगाते हैं ये भैया ने भी क्या निकाला है देखते हैं इसका प्लास्टिक का पार्ट है इसके अंदर जो है वो एल एन बी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी देखिए एल एन बी है कुछ ब्रांड की भी आती है स्पेसिफिक की पहले चलती थी मेरे ख्याल से वीडियो कौन की आती थी किसकी आती थी या उसकी उसकी आती थी तोशिबा शायद अब ये इनकी टाटा स्काई का अपना ही ब्रांड है मेड इन पी आर सी अब ये पी आर सी पता नहीं चाइना है क्या है इंडिया में तो शायद ही कुछ बन रहा है आज की डेट में सब मेड इन चाइना है भाइयों इंडिया में कुछ नहीं बन रहा अब भैया जो है अब इसकी एल एन बी इंस्टॉल कर रहे हैं देखिए आजकल ये डिग्री वगैरह से लिखी आती है कितने डिग्री पे क्या रोटेट करना हर चीज़ इसके अंदर पहले शायद ये सब चीज़ें नहीं आती थी तो हमारी एल एन बी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है अब भैया जो है इसको इसमें जाके यहाँ पे ये लग गई डिश ठीक है जी डिश हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है अब अगर डिश गंदी होती है तो आप हल्के हाथ से इसे साफ भी कर सकते हैं ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाए अगर सिग्नल वीक है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं रहती है इसमें धो भी सकते हैं इसे कोई इशू नहीं आता और ये देखिए अभी कनेक्शन करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको तो भाइयों देखिए भैया ये जो है प्रॉपर क्लिप के साथ इसे लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इंस्टॉलेशन जो है वो हो रहा है अभी देख सकते हैं आप तो अभी ये डिश लग गई है अब ये तार लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा फिर ये क्या बोलते हैं इसका सिग्नल वगैरह किस तरीके से भैया करते हैं और आगे दिखाता हूँ फिर मैं आपको तो भाई वो भैया ने देखो पूरी तार जो है वो सही से क्लिपिंग कर दी है इसमें देखिए प्रॉपर तरीके से और यहाँ पे इसमें जो है जिप टाई लगा दी है ये देखिए एक यहाँ लगा दिया है और इसमें भी अभी लगाते हैं पहले इसका जो है हम सिग्नल चेक करते हैं किस तरीके से रहता है ऊपर आऊँ एक बार तो भाई देखिए अंधेरा हो चुका है भैया फिर भी रात तक लगे हुए हैं अभी मैं दिखाता हूँ इसका सिग्नल जो है वो किस तरीके से आता है ये देखिए तो ये देखिए अभी जो हमारी डायरेक्शन को वैसे प्रॉपर लिखी आती है कि इसमें भी डायरेक्शन नहीं आती ना इसमें से मैच करना पड़ता है मैच हो जाएगा खाली वैसे जो डायरेक्शन है ये आपकी साउथ ईस्ट के अराउंड पड़ेगी ये वाली अराउंड नहीं मतलब साउथ ईस्ट ही पड़ेगी ये
तो भाइयों देखिए मैं प्रॉपर दिखा दूंगा आपको इसका, ये स्प्लिटर जो है अब हम देखते हैं इसका। ये भैया जो थोड़ा सा पहले से ही ला रहे हैं, ये देखिए इसमें भी क्या लिखा था, आपको पता कैसे लगता है? ये आवाज करेगा शायद अभी, इसमें सिग्नल आएगा। ये भैया अभी इसे सेट कर रहे हैं, अभी वो भी दिखाता हूँ मैं। इसमें एक बार सिग्नल आ जाएगा तब। आ जाती है भाई, लेट थोड़ा लगता है, टाइम लगता है इसमें भी। ये देखो पहले तो हम ये हाथ से सेट करते थे सेटेलाइट, बट आजकल जो एडवांस के मतलब मशीनें वगैरह सब आ गई हैं हर चीज़ की, तो ज़्यादा अभी तक आवाज़ नहीं आई है हमारी। तो कितना आना चाहिए भैया? 70 ऊपर। तो हमारी क्वालिटी ये जो क्यों लिखा क्वालिटी होती है, पी क्या रहता है? ये इतना जल्दी मैच हो जाता है। अच्छा, तो क्वालिटी जो हमारी देखते हैं वो भैया कह रहे हैं 70 ऊपर आनी चाहिए क्वालिटी। तो अभी लग रहा है मैं थोड़ा समय मेरे क्या उस साइड पर आएगी भैया, उधर क्योंकि उधर लगी हुई है ना, तो भाई उसकी थोड़ी डायरेक्शन जो है अभी हम सिग्नल मैच करने की कर रहे हैं कोशिश। ये देख सकते हैं आप, बीच में दबाना भी है, बीच में चलो ठीक। और उधर तो भाई एक बार भैया बीच में बटन दबाना है इसमें, फ़ोन में बीच में दबाना। तो भाइयों देखिए अभी क्वालिटी जो आई थी, ये देखिए ये आवाज़ कर रही है ना मशीन। एक सेकंड में गिर ना जाऊँ छत से, एक सेकंड। तो भाई इसकी देखिए क्वालिटी आप जो है 89, 91, 92 ये ऐसे परसेंटेज आ रही है, तो जितनी मैक्सिमम आ सकती है उससे क्वालिटी का सिग्नल आपका इंक्रीज रहेगा, और उतनी इंटरफ्रेंस जो है 92 आ रही है। देखो अभी देखते हैं अगर एक आध परसेंट और बढ़ती है, कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी। और तो ये देख सकते हैं आप 92, 93 काफ़ी अच्छा सिग्नल आ रहा है, मतलब ये छत पे तो नीचे नहीं है कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। तो इसकी क्वालिटी हम देखते हैं जितनी ज़्यादा रह सकती है ना वहीं पे इसको धीरे धीरे देखते हैं, टाइट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसे इस वाले पे जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्नल जो हमारा आ रहा है, तो यहीं पर हम इसको जो है वो लॉक करते हैं और इसके जो स्क्रूज़ वगैरह है वो टाइट कर देंगे इसी। 94 ये देखिए 94 आ गया गाइस, तो इससे ज़्यादा सिग्नल तो मेरे को लगता नहीं है शायद किसी ने दिखाया होगा अभी तक, है ना भैया? तो काफ़ी अच्छा सिग्नल आ गया। तो अभी हम इस पर जो इसके नट बोल्ट वगैरह हैं वो टाइट कर देंगे और सिग्नल लास्ट में भैया देख के जो है इसको इसमें वायर जो लगा देंगे, फिर नीचे जाके जो सेटअप करते हैं। अभी ऊपर का जो है सेटअप हो चुका है पूरा, ये देखिए ये रात में इस तरीके से रहती है, पूरा अंधेरा हो गया है भाइयों। तो वीडियो को मेरा लाइक करिए काफ़ी, अभी भैया भी काफ़ी देर तक कर रहे हैं, वैसे भैया जो है इसी एरिया में रहते हैं, वरना भैया भी जो 6:30 बजे तक करते हैं लास्ट, अभी शायद 7 बज चुके हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको टाइम, ये देखिए। तो अभी
तो अभी आप देखिए 6:30 बज चुके हैं भैया, अभी 6 बजे तक करते लास्ट। और ये देख सकते हैं आप, इनकी सर्विस भी जो है काफ़ी अच्छी थी, ये देख सकते हैं। मैंने दोपहर में ऑर्डर करा था और ये लगाने भी काफ़ी जल्दी आ गए थे। देखिए 21 तारीख है आज, मैंने दोपहर में करा था 3:30-4 बजे के करीब ऑर्डर, ये आ गए थे 1 घंटे के अंदर। तो टाटा स्काई इस मामले में जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सर्विस के मामले में काफ़ी फास्ट सर्विस थी टाटा स्काई की। तो अभी सिग्नल एक बार भैया जो है इसको स्क्रू जो है वो टाइट कर रहे हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं सिग्नल जो है वो लास्ट कितना रहता है इसके अंदर। सिग्नल हमारा शायद थोड़ा सा कम हुआ है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4% से कोई दिक्कत नहीं आता है। मिनिमम कितना रहना चाहिए भैया अंदाज़ा? 70 से ऊपर रहना चाहिए। तो 70 से ऊपर जितना आपको मिल जाएगा उतना बेस्ट है, बाकी डिश तो आपकी 75-80 तक भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं कितना रह गया भैया, अभी हमने टाइट कर दिया है, अब एक बार दिखा देता हूँ मैं और 93. एक दिखाना, एक बार दिखा दो यार। तो ये देखो अभी हमने, तो भाई ये देख लीजिए सिग्नल जो है इसमें अभी 93, 92, 89, 90 आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसकी वायर निकाल के, सिग्नल डिटेक्टर होता है या सिग्नल मैचर जो होता है, यहाँ पे हम अपनी मेन वायर जो है वो यहाँ पे जो है इसकी एक लगा देते हैं। ये देखिए अब मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सेटअप करते हैं। कनेक्शन मेरा एक्टिवेट हो चुका है, OTP वगैरह मैंने वेलकम कोड बता दिया था, अभी ऑनलाइन फ़ोन आया था भैया का। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है, अभी मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ का तो हो गया ना भैया फिनिशिंग, जिप टाई वगैरह जो एक आधी लगानी है वो लगा देंगे, वैसे इतना भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं दिखाता हूँ फिर आपको आगे। और खाली किस डिश की लगवानी हो तो कितने की लगती है भैया किसी को? ये देखिए डिश पे सारी डिटेल लिखी रहती है, क्या क्या इसके साथ आता है, बोल्ट वगैरह। तो यहाँ हमारे पे तो 680 है, बाकी भैया से पूछता हूँ अगर खाली डिश किसी को ख़राब हो जाती है अगर इंस्टॉल करवानी है तो कितने की रहती है। देखिए भैया ने जो है वो तार काट दिए 10 मीटर, तो अगर आपको यूज़ करनी है भैया जो छोड़ जाते हैं कभी बाद में कोई कस्टमर परेशान ना करे, है ना, फ़ोन करके कि भैया 10 मीटर हमारी तार रह गई, तो ये क्या करते हैं पहले से दे देते हैं और तुम इसका जो मर्जी करो इस तार का, तो इनको फिर बाद में कोई कस्टमर केयर पे क्या परेशान नहीं करेगा फिर, तो अपनी तरफ से ना ये पहले ही कर देते हैं। भैया खाली डिश लगवानी हो तो कितने की लगती है अंदाज? तो अगर खाली डिश लगवानी होगी तो ये अराउंड 800 के अराउंड बढ़ती है, बाकी इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, एस्टिमेटेड प्राइस जो है 800 है अगर खाली डिश लगवाते हो तो आप। तो इसका रिमोट सेटअप करते हैं पहले, डिश इंस्टॉल हो गई है, तो इसका रिमोट काफ़ी देखने में जो अच्छा लगता है। देखिए रिमोट इसका चालू हो चुका है, एक्टिवेशन का प्रोसेस ये देखिए। तो हमारी सिग्नल क्वालिटी जो है ये देखिए 90 के ऊपर आ रही है, और सिग्नल स्ट्रेंथ, अच्छा ये सिग्नल लेवल जो है वो 81 आ रहा है, कम हो गया थोड़ा ना, हल्का सा 90 है ये सिग्नल लेवल अलग है। अच्छा सिग्नल क्वालिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सिग्नल वो अलग है। तो ये देखिए हमारा ये चालू हो चुका है, अभी तो इसकी क्लैरिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। भैया जो अभी उसको लेकर आएंगे, अभी टाटा फायरस्टिक वाला जो है प्राइम एडिशन है वो थोड़ा उसमें अपडेट हो रहा है, बाकी ये हो गया। ये अभी सेटअप वगैरह होगा अभी, तो ये देखिए अरे वेलकम टू टाटा स्काई लिखाया था। देखिए हमारा ये जो है वो एक्टिवेट जो है वो हो चुका है, एक बार ऑन क्या रिस्टार्ट करना पड़ता है एक बार। तो भाई ये देखिए एक बार रिस्टार्ट हो रहा है अभी, ये डाउनलोड पे लगा दिया मैंने। अच्छा
तो अब इसका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो हमारे यहाँ अपडेट हो जाएगा। वो भैया ने कुछ रीस्टार्ट करके बटन वगैरह दबाया था, वो किस तरीके से करा था भैया? वो हमें नहीं करना होता ना कस्टमर को। तो भाइयों देखिए इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो रहा है, कुछ कोडिंग वगैरह भैया ने करी थी, अभी पूछ लेंगे भैया से। तो अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है इसमें अपडेट हो जाएगा टाटा प्ले का जो भी होगा इसके अंदर, तो एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों ये देखिए सॉफ्टवेयर जो है इसका कंप्लीट हो गया था और ये टाटा स्काई जो है अपडेटेड हो गया है। एक बार भैया से पूछ भी लेंगे कैसे इन्होंने अपडेट करा है, तो अगर किसी का पुराना होगा तो वो अपने आप भी अपडेट कर सकता है। तो अभी इसकी जो ये चल रहा है इसकी क्लैरिटी तो काफ़ी अच्छी आ रही है। बाकी मैं अभी चैनल आपको दो दो सेकंड की क्लिप ऐड करके इसमें दिखा दूंगा, तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा है इसका। मैं प्राइसिंग वगैरह डिटेल आपको आगे ऐड करके। भाइयों जो इसका प्राइस था वो 1303 रुपये था और मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में जो प्रॉपर डिटेल्स बता दूंगा। और मैंने अपने फ्रेंड से जो है वो रेफरल कराया था जिसमें मेरे को रेफरल बोनस भी मिला था 200 रुपये। तो मेरे को ये नेट जो है 1100 रुपीज़ में मिला है, प्लस मैंने 1 मंथ का टाटा प्ले बिंज सब्सक्रिप्शन भी लिया है जो फायर टीवी स्टिक मिलती है टाटा प्ले बिंज वाली। तो भाई ये वीडियो जो मैंने खाली स्पेशल यूट्यूब के लिए बनाई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखिए मेरे यहाँ पे टाटा ये एयरटेल भी लगा हुआ है, ये भी वर्किंग कंडीशन में है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ इसमें भी आएगा सिग्नल, बट मैंने जो अभी ऑफर में मिल रहा था तो मैंने कहा वीडियो भी बना लेते हैं। और ये देखिए मेरे पास एमआई बॉक्स भी है, तो इसका कंपैरिजन और मैं आपको टाटा जो उसका है टाटा स्काई टाटा प्ले का प्राइम एडिशन जो अमेज़न का दे रहे हैं उससे भी मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगा। ये मतलब इसमें ये दोनों का डिफरेंस बताऊंगा बेसिकली मैं आपको, तो देख सकते हैं। तो ये देखिए अगर किसी के पास पुराना टाटा स्काई अगर उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो उसका भी भैया जो है वो बता रहे हैं डिटेल। देखिए ये पिन वायर निकालना, इसकी जो आपने चार्जिंग की केबल है उसको ये बाहर निकालनी है इसमें पहले। यहाँ जब तक तीनों लाइट नहीं जलती है ना, हाँ तीनों लाइट जलते ये बैक बटन दबाना, ठीक है। बाद 2485 पासवर्ड है, 2485 पासवर्ड है इसका बैक बटन दबा के, ये ठीक है ठीक है। फिर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे लग जाता है। अच्छा अगर हम इसमें अब दोबारा कर देंगे तो उसे टाइम लगेगा थोड़ा, हाँ बाद में करके दिखा देंगे, बाद में करके दिखा देंगे इसको। तो ठीक है इसको बाद में मैं करके दिखा दूंगा ना, करके बैक बटन दबा के 2485 इसका पासवर्ड है, वो अपने आप ही चला जाएगा फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पे। तो किसी का अगर पुराना सॉफ्ट टाटा स्काई है तो वो भी इसको अपडेट कर सकता है इस तरीके से।